आप सभी का स्वागत है सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आया हूँ क्लास टेंथ की जितनी भी छात्राएं 2023 की बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रही हैं, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर के आया हूँ ग्रह विज्ञान का जो अगला चैप्टर है, नाम क्या है, जल, जल प्राप्ति के स्रोत एवं उपयोग। और यह चैप्टर 2023 बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहां से आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 में 100% क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस चैप्टर के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, बहुविकल्पी, अति लघुत्तरी और लघुत्तरी, सभी प्रश्नों को इस वीडियो में मैंने सम्मिलित किया है। तो आप इन सभी प्रश्नों को जरूर नोट्स पर नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। यदि आप भी लाना चाहती हैं 70 में से 65+ अंक, तो आप चैनल के साथ जुड़ें और अपनी नोट्स जरूर बनाते रहें। और यदि आपने पहला चैप्टर जिसका नाम क्या है शिक्षिका द्वारा प्रतिदर्श बजट का प्रदर्शन, इस चैप्टर के जितने भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं मैंने प्रोवाइड करा दिए हैं वीडियो के माध्यम से, आपको चैनल की प्लेलिस्ट में वीडियो देखने को मिल जाएंगे, आप देख लीजिए और अपनी नोट्स भी बना लीजिए। इसके बाद अगला चैप्टर है दूसरा, यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, दूसरा चैप्टर क्या है, आय व्यय और बचत। इस चैप्टर के जितने भी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए, सभी प्रश्नों को मैंने कवर करा दिया है, आप देख सकते हैं, और आप इन प्रश्नों को अपनी नोट्स पर लिखकर तैयार कर सकते हैं। और आज का जो चैप्टर है यहां पर आप देख पा रही हैं जल प्राप्ति के स्रोत एवं उपयोग, इसके जितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, चलिए यहां पर पहला प्रश्न क्या है, जल का रासायनिक सूत्र है, जल का रासायनिक सूत्र क्या है। पहला विकल्प है H2O2, दूसरा विकल्प है H2O, तीसरा विकल्प है CO2 और चौथा विकल्प क्या है यहां पर HO। तो जल का रासायनिक सूत्र क्या है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, H2O। यहां पर दूसरा विकल्प सही हो जाएगा, जल का रासायनिक सूत्र क्या है, H2O है। तो आप ध्यान दीजिएगा, इन सभी प्रश्नों को आप जरूर लिख लें और साथ ही वीडियो को शेयर भी करते रहें और चैनल के साथ जुड़कर हिंदी विषय, सामाजिक विषय, ग्रह विज्ञान और साथ ही चित्रकला विषय की तैयारी कर सकते हैं 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए। और इन विषयों में आप 70 में से 65+ अंक पक्का लेकर आएंगे, आप ध्यान दीजिएगा। बस आपको करना क्या है, चैनल के साथ जुड़ना है, अपनी नोट्स प्रॉपर बनाते रहना है और रिवीजन भी करते रहना है। यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न है वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, H2O रासायनिक यौगिक है। पहले प्रश्न का दूसरा प्रश्न बदला हुआ रूप है, H2O रासायनिक यौगिक है। किसका रासायनिक यौगिक है, वायु का, जल का, पृथ्वी का, या इनमें से कोई नहीं। यहां पर जो पहला प्रश्न दिया गया है कि जल का रासायनिक यौगिक क्या है, H2O है, और यही प्रश्न यहां पर बदल कर पूछा गया, थोड़ा सा चेंज किया गया है। प्रश्न क्या कह रहा है कि H2O रासायनिक यौगिक है, किसका रासायनिक यौगिक है, यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल का। यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, H2O रासायनिक यौगिक है, किसका, जल का। इसके बाद अगला प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जल को कीटाणु रहित करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला रसायन है। प्रश्न क्या कह रहा है कि जल को यदि कीटाणु रहित करना है, यानी जल से सारे कीटाणुओं को मारना है, हटाना है, तो उसमें कौन सा रसायन डालना चाहिए या किस रसायन का प्रयोग किया जाता है। यहां पर विकल्प क्या दिए गए हैं, पहला विकल्प दिया गया है नाइट्रोजन, दूसरा विकल्प है क्लोरीन, तीसरा विकल्प है हाइड्रोजन और चौथा विकल्प क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जल को कीटाणु रहित करने के लिए
प्रयोग किया जाने वाला रसायन कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्लोरीन। जल को यदि कीटाणु रहित करना है, उनमें से सारे कीटाणुओं को मारना है या हटाना है, तो आपको किसका प्रयोग करना होगा, किस रसायन का प्रयोग करना होगा? क्लोरीन का प्रयोग करना होगा। अगला प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और प्रश्न क्या है कि मिट्टी युक्त जल को शुद्ध करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला रसायन है, जिस जल में मिट्टी है, यानी यदि आप देख रहे हैं कि जल में मिट्टी पड़ गई है, यानी मिट्टी पड़ जाने के कारण वह प्रयोग के लायक नहीं है, यानी आप उसे पीते नहीं हैं, पीने योग्य नहीं है, तो यदि आप इस रसायन का प्रयोग करें तो वह प्रयोग करने के लायक हो जाएगा, यानी वह जो जल होगा वह शुद्ध हो जाएगा और उसको आप पी सकती हैं। तो यहां पर मिट्टी युक्त जल को शुद्ध करने के लिए, यानी जिस जल में मिट्टी पड़ गई है या जिसमें मिट्टी है उसको शुद्ध करने के लिए कौन सा रसायन प्रयोग किया जाता है? पहला विकल्प है एल्यूमिनियम सल्फेट, दूसरा विकल्प है पोटेशियम परमैंगनेट, तीसरा विकल्प है क्लोरीन, और चौथा विकल्प क्या है? उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो मिट्टी युक्त जल को शुद्ध करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम सल्फेट। यदि मिट्टी है जल में तो एल्यूमिनियम सल्फेट का प्रयोग किया जाना चाहिए, और एल्यूमिनियम सल्फेट का प्रयोग करने से मिट्टी युक्त जल भी क्या हो जाता है? शुद्ध हो जाता है, यानी प्रयोग के लायक हो जाता है। अगला प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और यह तो लगातार बोर्ड परीक्षा में आता रहा है। और प्रश्न क्या कह रहा है कि जल प्राप्ति के कौन कौन से साधन हैं, यानी हमें जल कहां कहां से प्राप्त होता है? तो बिल्कुल आसान सा उत्तर है, इसको रटने की आवश्यकता ही नहीं है। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? कि वर्षा का जल, हमें जल कहां से प्राप्त होता है? वर्षा के द्वारा भी जल प्राप्त होता है, और नदियां, नदियों के द्वारा भी जल प्राप्त होता है, झीलों के द्वारा भी हमें जल की प्राप्ति हो जाती है, और ग्लेशियर जब पिघलते हैं तो ग्लेशियर से भी हमें जल की प्राप्ति होती है, और भूमिगत यानी भूमि के अंदर जो जल है वो भी हमें प्राप्त होता है। हालांकि साधन भूमिगत जल प्राप्त करने के अनेक है, जैसे कि नल के द्वारा हम भूमिगत जल को प्राप्त कर सकते हैं, और कई माध्यमों से हम भूमिगत जल को प्राप्त कर सकते हैं। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा कि जल प्राप्ति के कौन कौन से साधन हैं? उत्तर हो जाएगा कि वर्षा का जल, नदियां, झीलें, ग्लेशियर, भूमिगत जल आदि, ये सभी क्या हैं? जल प्राप्ति के साधन हैं। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है। यहां पर प्रश्न क्या है कि मृदु जल एवं कठोर जल में अंतर लिखिए, और यह प्रश्न लगातार बोर्ड परीक्षा में आता रहा है, इसलिए 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उत्तर क्या हो जाएगा कि मृदु जल पीने में मीठा एवं स्वादिष्ट होता है। मृदु जल जो होता है पीने में कैसा होता है? स्वादिष्ट होता है, मीठा लगता है, जबकि कठोर जल पीने में खारा व भारी होता है। जैसे कि आप समुद्र का जल पीते हो तो वह पीने में कैसा लगेगा? खारा लगेगा और वह भारी भी होगा। कहने का तात्पर्य है कि जो मृदु जल होता है, मृदु जल, वह पीने में मीठा और स्वादिष्ट होता है, जबकि कठोर जल क्या होता है? पीने में खारा व भारी होता है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। आप इस प्रश्न को जरूर याद कर लें, इसका आंसर जरूर तैयार कर लें, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए। अगला प्रश्न है यहां पर, और यह प्रश्न तो भी लगातार बोर्ड परीक्षा में आता रहा है। प्रश्न क्या कह रहा है कि शरीर में पानी क्या क्या कार्य है? हमारे शरीर में पानी का क्या कार्य है? उत्तर क्या हो जाएगा कि जल शरीर निर्माण व अस्तित्व बनाए रखने,
पाचन क्रिया, शारीरिक विकारों को निष्कासित करने, शारीरिक तापक्रम समान बनाए रखने, रक्त को तरल बनाए रखने के अतिरिक्त दैनिक कार्यों एवं सामुदायिक कार्यों में जल उपयोगी है। जल ही जीवन है, आपने पढ़ा होगा और सच भी है कि जल ही जीवन है। जल के बिना शरीर का निर्माण एवं शरीर का अस्तित्व नहीं हो सकता। यदि जल ना हो तो हमारा जीवन भी नहीं होगा, यानी हम सभी जल के बिना जीवन को व्यतीत नहीं कर सकते, जीवन जी नहीं सकते। तो जल शरीर निर्माण व अस्तित्व बनाए रखने में, पाचन क्रिया को सुचारू रूप से कारगर बनाने में, शारीरिक विकारों को शरीर से निष्कासित करने में, शारीरिक तापक्रम को समान बनाए रखने के लिए और रक्त को तरल बनाए रखने में, और साथ ही इसके अतिरिक्त हमारे जो दैनिक कार्य हैं या सामुदायिक कार्य हैं उन सभी में जल का अहम महत्व है, यानी जल ही उपयोगी होता है। इसलिए शरीर में पानी का क्या महत्व है आप सभी जानते हैं कि हमारे लिए और हमारे दैनिक कार्यों एवं सामुदायिक कार्यों के लिए जल का कितना ज्यादा महत्व है। यदि जल ना हो तो हमारा जीवन भी संभव नहीं है। तो इसका आंसर आपको रटना नहीं है बल्कि आपको समझ लेना है, और वीडियो को आप लोग शेयर भी करते रहिए और अपने कमेंट भी करते रहिए। साथ ही यहां पर देख पाएंगे आप अगला प्रश्न, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह भी, क्योंकि यह भी बोर्ड परीक्षाओं में आता रहा है। प्रश्न क्या कह रहा है कि आदर्श कुएं की चार विशेषताएं बताइए। जो आदर्श कुएं होते हैं उनकी चार विशेषताएं क्या हैं? तो पहली विशेषता क्या है कि पक्की दीवार, उनमें पक्की दीवार होगी। दूसरी विशेषता है समतल भूमि, जहां पर वो बने होंगे वहां समतल भूमि होगी। तीसरी विशेषता है कुएं के ऊपर छाजन, जो कुआं होगा उसके ऊपर छाजन भी होगा। और इसके बाद अगली विशेषता क्या है कि प्रत्येक पखवारे में लाल दवा पोटेशियम परमैंगनेट डालना। तो ये चार विशेषताएं हैं आदर्श कुएं की। और इसके बाद जो प्रश्न है आप देख पा रही हैं अगला कि कुएं कितने प्रकार के होते हैं। यह प्रश्न तो लगातार बोर्ड परीक्षा में आता रहा है, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए। कुएं कितने प्रकार के होते हैं, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पृष्ठीय या उथले कूप। और दूसरा क्या है? गहरे या गंभीर कूप। गहरे कूप के अंतर्गत दो प्रकार के कुएं आते हैं, नंबर एक आर्टिजन कुएं और नंबर दो पाताल तोड़ कुआं। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि कुएं कितने प्रकार के होते हैं। कुएं दो प्रकार के होते हैं, पृष्ठीय या उथले कूप या कुएं, और नंबर दो गहरे या गंभीर कूप। और गहरे कुएं के अंतर्गत दो प्रकार के कुएं होते हैं, पहला है आर्टिजन कुएं और दूसरा क्या है? पाताल तोड़ कुआं। अगला प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां पर आप देख पा रहे हैं अशुद्ध जल के सेवन से उत्पन्न किन्हीं चार रोगों के नाम लिखिए। और यह प्रश्न लगातार बोर्ड परीक्षा में आता रहा है कि प्रश्न क्या पूछा गया है कि अशुद्ध जल से उत्पन्न किन्हीं दो रोगों के नाम, या प्रश्न पूछ लेता है कि अशुद्ध जल से उत्पन्न किन्हीं चार रोगों के नाम। तो इसी प्रश्न से दोनों प्रश्नों का आंसर हो जाएगा, यानी इसी प्रश्न के उत्तर से दोनों प्रश्नों का आंसर हो जाएगा। और प्रश्न कह रहा है कि अशुद्ध जल के सेवन से, यदि हम अशुद्ध जल पीते हैं तो उनसे कौन कौन से रोग उत्पन्न हो सकते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि अशुद्ध जल से अनेक रोग हो जाते हैं। अशुद्ध जल पीने से अनेक रोग हो जाते हैं, जैसे कि पेट संबंधी रोग हो जाते हैं, हैजा रोग हो जाता है, भूख ना लगना, टाइफाइड पेट का दर्द और जी मिचलाना आदि, ये सभी रोग अशुद्ध जल के सेवन से उत्पन्न हो जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैंने आप सभी को यहां पर जो चैप्टर था आप देख पा रहे हैं, यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, जल प्राप्ति के स्रोत
एवं उपयोग। इस चैप्टर के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए, सभी को मैंने इस वीडियो में सम्मिलित कर लिया है। इन सभी को आप लोग नोट कर लीजिए अपनी नोट्स पर और अपनी नोट्स भी बनाते रहिए। अब आपको मैं अगले चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताऊंगा अगले वीडियो में। आप कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही आपको करना क्या है, वीडियो को शेयर कर देना है अपने सभी सहपाठियों में, और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना है। और यहां से जुड़कर आपको 2023 बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी भी करते रहना है। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।